व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग है बिकॉज इट्स माय बर्थडे व्लॉग, बर्थडे। तो लेट्स गो एंड दिस इज आवर आउटफिट। हम रेडी हो गए, अभी हम जाके और आप लोगों को वहाँ पे दिखाते हैं। लेट्स सी आउटफिट है जो मैं कि फुल जाके भी दिखाऊंगी आपको रेस्टोरेंट में। एंड ये मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, शायद जेनेटिक प्लाजा से ही लिया था धान मंडी में। तो ये अच्छी लगी मुझे, वहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेट्स सी एंड जब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट और आप लोगों से मिलते हैं। बाय। ए जे बर्थडे गर्ल। मैं बर्थडे गर्ल बर्थडे गर्ल से मिली आप, दी मोस्ट कलरफुल गर्ल इन आवर ग्रुप। आई विल शो यू ऑल द होल ड्रेस। आज तो सभी ऐसे आए हैं कि मतलब कि क्या ही बोलूं मैं। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज सब ऐसे आए हैं जैसे कि सब एक एक कुछ कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बांग्लादेश रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कलर, आई ऑल्सो रिप्रेजेंट बांग्लादेश ग्रीन कलर। शी रिप्रेजेंट पीस। ओके, दिस गर्ल रिप्रेजेंट पीस एंड द गर्ल इज सिटिंग फ्रंट रिप्रेजेंट्स डिस्को डांसर। मीन्स द गर्ल, इसका मतलब ये है कि लाइफ शुड बी कलरफुल और पता नहीं क्या क्या। और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों से मिलते जगह पे जाके। हाँ, पुल माने मुझे भी कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस है ना, दिस इज सो नाइस। कोथाय बसते चाओ, कोथाय बसते चाओ? हाँ चलो भाई चलो, कोई बसते चाओ बोलो तो। द प्लेस इज सो ऑसम, आप लोग देख सकते हो प्लेस काफी सुंदर है। एंड हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी बैठने के लिए कहीं पे जगह है। ओ मैं गिर जाऊँ। लकी ला, अब झूलो जोर से, झूलो झूलो ना, झूलना है। फोटो तो मैं खींच दूंगी, तुम झूलो तो सही। ओ जगह देखो यार, इट्स सो ऑसम। मेरी मीट माई कीमा गर्ल, कीमा गर्ल, चाइनीज गर्ल। एंड देन यहाँ पे है दिस द प्रीटीएस्ट गर्ल एंड यू बेबी गर्ल। लकी की लकीर मोने अच्छे लकी बर्थडे ऐसे लकी का मतलब मुझे सच में लग रहा है इसका ही बर्थडे है। लो तुम्हारी वजह से, थैंक यू बोलो तुम। देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो, एवरीबडी इज लुकिंग सो नाइस। एंड यहाँ का व्यू देखो, रुको पहले यहाँ का व्यू देखें आप, इट्स सो नाइस। सी बर्थडे गर्ल आउटफिट। वाओ यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जगह, तो जगह सुंदर हो चुकी है जगह। देखो भाई जगह बहुत अच्छा है, योर एवरीबडी इज रिकमेंडेड। मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ लेकिन आप लोग तो नहीं, आई डोंट थिंक आप लोग आते हो। सो आप लोग जरूर आओ बिकॉज ये जगह सोनी स्क्वायर के ऊपर स्काई लाउंज करके जगह है एंड काफी बहुत अच्छी सीनरी आप देख सकते हो। जरा सीनरी दिखाओ, बहुत बड़ा है। चलो सीन व्यूज काफी 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 सेक्सी है, काफी अच्छा है। सो यू ऑल मस्ट कम, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। अभी हम कुछ ऑर्डर करते हैं। पोज मेरी ना, जाओ तुम भी मेरे के साथ पोज करो ला। हाँ दोनों ऐसे पोज करो जैसे कि मेरी ना सजी है ना, तो मेरी ना तो 90 स्कूल गर्ल लग रही है एंड दिस गर्ल इज लुकिंग पूरा 2080। एंड तुम जाओ मे, यू आर पाकिस्तानी गर्ल, गुड। अभी ऐसे पोज दो ठीक है, या गिव अ पोज इन सच वे जो पूरा तुम लोगों को रिप्रेजेंट करे। ओके चेंज चेंज, लेट्स ईट। अभी हम खाएंगे एंड फैन ऑफ के नो, फैन ऑफ के नो। हम तो पूरा गर्मी में थक गए, फैन ऑफ करे जिससे कारण नहीं है ठंडा हो जाता है। एक भी फैन ना देना और भाई ठंडा हो जाता है। तो ये अब हमारा नान है एंड देयर इज अ चिकन नान। ये ए আরেকটা ছিল না চিকেনটা কই গেল আমি মোটা তো লেট হবে। আচ্ছা একটু লেট হবে, ঠিক আছে। তো আমরা अभी खा लेते हैं फिर खाने के बाद। तो आप देख ही रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं नेपाल में आ गई हूं ये व्यू देख के। वाओ है ना, तुम्हें तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम नेपाल में हो ऐसा लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम नेपाल में हो? नहीं बांद्रबन, बांद्रबन है, बांद्रबन में ऐसा हमें लग रहा है। खूब खाई थी सिस ना, अनेक खाई थी सिस। खावा टक्के मन लगता तो एवरेस्ट बेबी तो यू ठीक ही यू बेबी। ये तो ऐसी है। तो हम अभी खा रहे हैं और इलाके से प्रॉफिट हमारा हम भूल गए हैं।
मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वो छोटा है, सुनना सुनना। हेलो गाइस, हेलो, चलो अभी चलते हैं। पीपो मामा व्यू सो नाम रो, व्यू इतना अच्छा है कि मैं थक गई और पूरा भींग गई। दूसरा लोकेशन यहीं पे बस हम बैठ के और बस लोकेशन ही देख रहे हैं। देखो नीचे रोड है एंड इधर सब जगह है एंड ये मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग बस यहीं पे बैठ के तब से देख रहे हैं। मैं बता रही हूँ ये रेस्टोरेंट इतनी अच्छी है ना, वाओ, देखो हवा चल रहा है, आई एम लाइक लविंग इट, बहुत पसंद आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ ज़रूर आए, मस्ट विजिट वाला जगह है। मैं हर रेस्टोरेंट में बोलती हूँ मस्ट विजिट वाला जगह है, ये तो मस्ट विजिट वाला जगह है, सोनी स्क्वायर के ऊपर है ना। हाय पीपल, यहाँ देखो यहाँ बाय बाय टाटा, हमारा ब्लॉग यहाँ एंड होता है, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद, और एक बार और एक बार और एक बार प्रॉपरली धन्यवाद। हाँ आप बोलो कैसा लगा जगह? जगह नेपाल से इतने दूर से आया है, बहुत कष्ट करने के बाद ये पहुंच गया है। सो ये पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था, लेकिन बहुत दिन लगा इसे आने में, तो मैं अपना बर्थडे ब्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी। एंड नाउ इट इज़ हियर, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। सो लेट्स डू द ओपनिंग। खोलते समय पापा ने ये भेजा है, अब मैं इसकी प्री क्या 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 बोलते रहे क्या करने जा रहे हैं, वट एम आई गोइंग टू डू नाउ, अनबॉक्सिंग। अब आई एम गोइंग टू डू अनबॉक्सिंग, चलो अब इसको खोलते हैं। तो पता है इसका अनबॉक्सिंग करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। फाइनली हम मुझे दिख रहा है इसके अंदर, और तो मुझे पता था कि इसके अंदर होगा क्या। सो दिस इज इट, है ना, ये चीज़ तो देख के ही समझ में आ रही है कि क्या है। सो यू कैन सी हियर, और अब मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। खुश तो मैं बहुत हूँ बिकॉज इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, और मैं सोच रही थी खरीदूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्राइस था इसका, सो मैं खरीद ही नहीं पा रही थी। सो फाइनली मेरे बाबा ने बहुत दूर से भेजा और ये मुझे मिल गया है। सो लेट मी वेट फ्रॉम माय डैड, एंड एवरीवन नीड्स दिस। फाइनली पापा ने एकदम उस समय में भेजा है, नहीं है जिस समय मुझे इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज अभी हमारा प्रॉफ चल रहा है और एग्जाम चल रहे हैं, और इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। बिकॉज बहुत दिन पहले से मैं सोच रही थी कि खरीद लूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पापा ने भी दिया है मेरे लिए, तो इससे ज़्यादा बेटर गिफ्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। सो थैंक यू पापा, और पता नहीं क्या बोलना चाहिए। सो दिस वॉज माई बर्थडे ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल लाइक इट, डू लाइक शेयर कमेंट कर रहा हूँ, बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।